राम राम भाई सबको। आज तुम्हारा भाई फिर से जा रहा है पेपर देने, SSC GD का पेपर देने जा रहा हूँ भाई दोबारा। रिजल्ट मेरे को पता है पहले ही, लेकिन मैं बता नहीं सकता। पेपर देने से पहले बता सकता हूँ मैं तुमको रिजल्ट, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि फिर मेरा एक और ब्लॉग नहीं बन पाया। जा रहा हूँ अपने भाई के साथ, बस घर से निकल गया हूँ, भाई के साथ जा रहा हूँ, रजत भाई के साथ। लेकर आता हूँ फिर, कॉन्स्टेबल बनकर आता हूँ फिर। भाई कॉन्स्टेबल बन के ही निकलेगा तुम्हारा भाई, वर्दी पहनूंगा 2-2.5 महीने बाद, ऐसी वर्दी प्रेस करके एकदम तगड़ी। पहुँच गए भाई आधे रास्ते में, पहुँच गए अपने मेट्रो स्टेशन पर, पहुँचने वाले हैं शास्त्री नगर पे। बहुत दिनों बाद मेट्रो में घूमने का अलग ही मजा है। ये भाई आए अपने साथ में, भाई मॉडल 1.5 घंटा बैठे के बाहर, मैं पेपर देने जा रहा हूँ भाई GT का। वो स्कूल गया, उसका भी तो पेपर है, वो आएगा ही 12:30-1 बजे तक। तो भाई जा रहे हैं पेपर देने मेट्रो से आज, बहुत दिनों बाद आज मेट्रो बैठा हूँ। करीब हो गया 6-7 महीने हो गए आज मेट्रो पे, मेट्रो का भी अलग ही मजा है भाई। अब जा रहा हूँ, बस पहुँच गए, अब स्टेशन पे उतरेंगे। ले भाई अपने सेंटर पे लीलावती, भीड़ देखो, भीड़ से भीड़ है। यहाँ टाइम से आ गए हैं 10-15 मिनट पहले, कचौड़ी मार रहे हैं खस्ता वाली, क्योंकि 1-2 घंटा तो खाने को मिलेगा नहीं कुछ, इसलिए सोच रहे हैं भैया कचौड़ी मार ले पहले, फिर देंगे बढ़िया से पेपर। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे तो। यूपी पुलिस का पेपर देने गया था, वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी, लेकिन ये दिल्ली का है ना मेन, यहाँ तो लड़कियाँ भी बहुत आई हैं, लड़के भी बहुत आए हैं। इधर लोग को देख के यही लग रहा कि भाई ये लोग तो तैयारी से आए हैं, पढ़ रहे हैं। मेरे को तो पता ही कल चलिए, पता ही कल चलिए कि आज पेपर है, अब देखते हैं किस्मत होगी तो निकल जाएगा भाई। ये रहा अपना सेंटर का गेट मेन, 2 बजे तक एंट्री है, भीड़ देखो, मतलब अंधी पब्लिक आई हुई है। 3 शिफ्ट में है ना इसका, खूब अंधी पब्लिक आ रखी है, बहुत भीड़ है। पेपर तो एवरेज ही गया भाई, पेपर सही नहीं गया, अब अपना पेपर हो गया ख़त्म, निकले हुए हो गए 10 मिनट पेपर दे के निकल गया, अब आ गया मेट्रो पे, अब जा रहा हूँ घर। काम चला, पेपर गया बस चला गया, अब देखो क्या होता है। लाइन 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे लगे, देख रहे हो लाइन भीड़ लग रही है, लाइन पीछे बड़ी दिक्कत है भाई। मेट्रो का वेट करते हुए एक तो मेट्रो आ गई, ये हमारी नहीं है, लेकिन अपनी मेट्रो कहाँ आ गई भाई, अपनी भी आ गई। चलो खाली, मेरा डब्बा तो खाली होना चाहिए। मेट्रो में दिक्कत आ गई भाई, ये तो इन्होंने यहीं पे रोक दिया, आधे रास्ते में ही झिलमिल पे रोक दिया, दूसरी मेट्रो से जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा भैया जहाँ जाना तो मैं सही रिश्ता वहाँ तुम ले जा नहीं पाएंगे, तुम VIP लोग हो, तो हमें यही रोक दिया है भाई। है भाई VIP लोग को उतार दिया है ना, क्या हम तो पूरा ले जा नहीं पाएंगे, इसलिए भाई तुम चले जाना, अब दूसरी मेट्रो आएगी फिर उसमें बैठ के जाएंगे यार। पहुँच गए भाई घर पे, बस 10-15 मिनट का रास्ता है, घर से रास्ते में ही है, चला गया था कहीं और, अब आया हूँ घर पे, 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। GT का पेपर तो बड़ा आसान था, लेकिन यार घर पे जाना आना जाना यार बहुत दिक्कत हो गई मेट्रो से, 1-1.5 घंटा लग गया जाने में आने में। अब सोच रहा हूँ घर जाऊँ, खाऊँ पीऊँ और सो जाऊँ, आज जल्दी सो जाऊँगा। हाँ जिम आ गए भाई अपनी, अब मारेंगे, आज मारनी है चेस्ट की वर्कआउट, अपने आ गए जिम में, एंट्री होनी है भाई। सोच रहा हूँ 2 मिनट खड़े होकर, ठंडी हवा चल रही है आज रात की, अपनी भाई की जिम आ गई, पाइथन जिम, राजेश भैया की है अपने, टॉप की जिम, टॉप की तो नहीं है लेकिन हाँ बढ़िया है, मस्त चल रहे हैं भाई, चेस्ट वर्कआउट लेने चलो।
निकल लिए भाई जिम से, हो गई अपनी चेस्ट की वर्कआउट पूरी, जा रहे हैं घर पे, जाएंगे थोड़ा खाना पीना खा के, प्रोटीन शेक पी के, बस थोड़ा सा ही बचा है प्रोटीन शेक भी। अगर किसी को मेरे को गिफ्ट देना हो तो दे देना भाई, मुझे प्रोटीन शेक की सख्त ज़रूरत है। जा रहा हूँ घर, हल्की मारी आज चेस्ट की, क्योंकि सुबह से आज कुछ खाया नहीं था, चला गया था जीडी का पेपर वेपर देने, यार थोड़ा मामला हल्का हल्का लग रहा है, इसलिए दो दो तीन तीन सेट हल्के हल्के मार लिए, 5 सेट टोटल। चल दिए घर भाई, जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।